सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा की राजनीति का चर्चित चेहरा कैबिनेट मंत्री अनिल विज। विज साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कितने तैयार हैं? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये बैरकों में नहीं जाते, ये एक प्रोग्राम खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हम तो तैयार हैं पूरी तरह से, हमारे लिए तो चाहे कल चुनाव करवा लें, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम ये देख रहे हैं सर कि विपक्ष जो है वो हरियाणा में रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, हम जहाँ भी जाते हैं वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। जितनी नौकरियां हमने अपने राज में दी, 70,000 नौकरियां हमने दी हैं और लगभग 30,000 पर और काम चल रहा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। ये जो विपक्ष उठा रहा है, इनकी सरकारें रही हैं, अब इनकी सरकार में पूछिए ना कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया था, कहीं भी नहीं दिया उन्होंने। अब मुद्दे उठाने उठाते रहो, पता है सरकार तो आने नहीं, जो मर्जी कहते रहो। सर, 5 साल में क्या बुनियादी रूप से चीज़ें बदल गई हैं आपसे हिसाब से? क्या पढ़ी लिखी पंचायत या जगमग गाँव, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने एक बुनियादी फ़र्क यहाँ पर डाला है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा है। सिस्टम है वो बदलने की हम कोशिश की है और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने में हम कामयाब रहे हैं। पहले अपने खेतों को टेंडर बांट दिए जाते थे, आज हर टेंडर 50,000 से ऊपर का ऑनलाइन होता है, कोई किसी को नहीं दे सकता। हम जानते हैं अम्बाला छावनी में भी जो सफाई का, लाइटें लगाने का, सड़क बनाने का कोई भी टेंडर होता था, एक खास हल्के को दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई है हमने, जो भर्तियाँ हुई हैं हमारी ट्रांसपेरेंट हुई हैं, कहीं किसी को कोई पर्ची नहीं देनी पड़ी, कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो बादलों की मंडियाँ लगती थी तो उस पर हमने रोक लगाई है। CLU का तो धंधा था, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार थी उसको मैं विधानसभा में खड़ा होकर CLU सरकार कहा करता था कि कब किस किसान की जमीन बिक जाए और उसको कोई भूमि माफिया खरीद ले और उसको CLU दे दिया जाए, पता नहीं लगता था। इन सब चीज़ों पर रोक लगाई हम, ये बुनियादी अंतर है। वैसे तो हर बात में अंतर है, वो चुनिंदे हलकों में ही विकास करते थे, हमने 90 के 90 विधानसभा हलकों में समान रूप से विकास किया है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया है, प्रचार की कमान एक तरह से उनको सौंपी गई है, आपको लग रहा है मुकाबला होगा? नहीं, देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो पूरी तरह से लगातार डीवैल्यूएशन हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उसके नेतृत्व में पहली बार जब चुनाव लड़ा गया तो 67 सीटें, दूसरी बार जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 67 से घटकर 40 रह गई, तीसरी बार जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 40 से घटकर 15 रह गई, और इस बार फिर उनको नेतृत्व प्रदान किया है तो ये 15 से घटके 0 हो जाएंगे। सर, क्या विपक्ष में खराब का फायदा BJP को मिल रहा है जो 75+ की बात कर रही है? नहीं, विपक्ष नाम की चीज़ हरियाणा में है नहीं, जो कि प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं होती है। इनकी अपनी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, एक परिवार में तो चाचा भतीजा एक दूसरे को पूरी तरह से धाराशाही करने में लगे हुए हैं, और कांग्रेस में भी अंतर कलह है। चाहे इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तंवर चला गया शैलजा आ गया, तंवर भी हरा हुआ था शैलजा भी हारी हुई है, हुड्डा भी हरा हुआ है, ये पिटे हुए मोहरे हैं। आप मुझे बताइए, जो शैलजा अपने लोकसभा में 9 विधानसभाओं से जीत नहीं सकी, क्या वो किसी दूसरे को जिता सकती हैं? भूपिंदर सिंह हुड्डा जो अपने विधानसभाओं से नहीं जीत पाया, क्या वो किसी दूसरे को जिता सकता है? ये तो
पिटे हुए मोरे हैं ये तो अब क्योंकि इनको एक ये प्रक्रिया में से होकर निकलना है तो इसलिए ये कर रहे हैं। 75+ कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, 75+ जो है वस्तु स्थिति है, उसको ना कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है ना ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में हम 90 में से 79 सीटों पर विजयी हुए, 10 के 10 लोकसभा सीटें हमने जीती। जींद विधानसभा का उपचुनाव आया, राहुल गांधी ने जो उस वक्त कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष थे उनके बगल के आसपास हर वक्त जो आदमी रहता था सुरजेवाला, उसको उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भेजा। हालांकि वो पहले भी विधायक थे, कैथल से ऑलरेडी विधायक हैं वो, लेकिन उनको जींद से भेजा कि शायद पता नहीं क्या तीर मार देगा वो। लेकिन हरियाणा की जनता इन सारे मुखौटों को पहचान चुकी है, उन्होंने धराशाही कर दिया। एक सवाल, बार बार हम जब डिबेट करते हैं तो विपक्ष कहता है कि एक बार बीजेपी में टिकटें बटने दीजिए, जो हर सीट पर 10-10, 12-12 दावेदार हो गए हैं वो हंगामा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, उनको मालूम नहीं है कि इस पार्टी को किस ढंग से चलाया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है। तो ऐसा कोई पहली बार तो हम चुनाव लड़ने जा नहीं रहे, पहले भी हमने चुनाव लड़े हैं और प्रदेशों में भी चुनाव लड़े हैं और कई कई उम्मीदवार होते हैं, तो हमें मैनेज करना आता है। दूसरी पार्टियों से बहुत विधायक आ गए ना आपकी तरफ। नहीं तो हमें मैनेज करना आता है, हम मैनेज करेंगे, सकुशल मैनेज करेंगे सब चीज़ों को। मुकाबला किससे है सर? नहीं, हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है, ना कांग्रेस है ना चाचा भतीजा है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है और बीजेपी अपने 75+ के जो आंकड़े की बात कर रही है वो वस्तु स्थिति पर बात कर रही है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MHN न्यूज़, अम्बाला।